नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। ये तो सच है कि टीवी रियलिटी शो बिग बॉस ने कई लोगों के करियर बनाए, लेकिन उर्फी जावेद से पहले शायद ही कोई होगा जो अपने कपड़ों की वजह से हर दूसरे दिन सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक बनता। हालांकि आजकल उर्फी अपने कपड़ों की वजह से कम बल्कि अपने बोल्ड जवाबों की वजह से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही। हाल ही में वो एयरपोर्ट पर जावेद अख्तर के नाम की टी शर्ट पहने और हाथ में गीता लेस स्पॉट हुई थी। अब ये तस्वीर लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि एक बार फिर उर्फी ब्लैक लेसी बॉडी सूट में एयरपोर्ट पर नजर आए। लेकिन इस बार उनके कपड़े नहीं बल्कि उनका ट्रोलर्स के लिए करारा जवाब खबरों का विषय बन गया। आपको बता दें, उर्फी अपने आउटडोर लोकेशन के शूट से मुंबई लौटी थी। एयरपोर्ट लुक के लिए उर्फी ने ब्लैक लेसी बॉडी सूट के साथ डेनिम और प्लेटफॉर्म हील्स पहन रखे थे, साथ में स्लीक हाई पोनीटेल बनाई थी। उर्फी का यही फैशन सेंस उनको भीड़ से अलग करता है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पपराजी से बात की बल्कि उन्हें बर्फी भी खिलाई जो वो लेकर आई थी, और साथ में फैंस के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई। फोटो सेशन के बाद उर्फी अपनी टीम के साथ जब आगे बढ़ रही थी, तब उनसे बात करते हुए उर्फी जावेद ने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। मुझे ठंडी में मजा नहीं आती है, मुझे छोटे कपड़े पहनने में मजा आता है। आने वाला है 21st को। अरे हाँ, अरे मैं भी भूल गई थी। हाँ, म्यूजिक वीडियो पंजाबी म्यूजिक वीडियो। चलिए बाय गाइस, सैटरडे उर्फी जरूर खाना, बहुत अच्छी है। बाय उर्फी जी, बिग बॉस का फिनाले आने वाला है अभी, तो आपका सपोर्ट किसको है? उर्फी जी का सपोर्ट किसको है? वही एक इंटरव्यू में उर्फी ने कहा था कि मैं अपने ट्रोलर्स को बिजी रख। उन्होंने कहा कि बिग बॉस OTT के बाद लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। लोग मुझे मेरी फैशन चॉइस के लिए जानते हैं। वो लिखते हैं कि मेरा फैशन सेंस अजीब है। चलिए अच्छा है कि इसी बहाने वो ट्रोलिंग में बिजी है, कम से कम इस कारण मैं उन्हें बिजी तो रख पा रही हूँ। वैसे तो उर्फी आए दिन ट्रोलिंग का शिकार बनती है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। उनकी पहचान उनके कपड़ों से बनी। भले ही टीवी ने उन्हें आज पॉपुलैरिटी दी है, लेकिन सोशल मीडिया और फैशन सेंस के कारण लाखों फैंस उन्हें पहले से जानते हैं। हाल ही में उर्फी के मुसलमानों के प्रति एक पोस्ट से भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। खैर, उर्फी का बोल्ड अंदाज और उनका करारा जवाब आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।